हम लोग रियली पानी देते हैं, अगर एक दिन पानी बंद करते हैं तो लाठी डंडा लेकर गांव वाला आ जाता है। अच्छा, बोला तुम्हारा बाप का ये सामान है, तुम लोग पानी नहीं दोगे, नखरा ऐसा मिलता है तुम लोग को, तुम लोग यहाँ निदागिरी करता है, पानी को बंद करके रखता है, इस ढंग का भाषा बोलता है। जमीन का कोई पैसा नहीं मिला, जमीन का सिर्फ बोला कि जमीन आप लोग दीजिएगा तो आप लोग को एक ठो नौकरी लगेगा। हम लोग सोचे सरकारी नौकरी लगेगा, पर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, यहाँ ठेकेदारी नौकरी हम लोग को लग गया। भटभटिया जो मोटरसाइकिल है वो लेकर घूम रहा था, बाद में वो फॉर्चूनर लेकर घूमने लगा, और अब के बाद फॉर्चूनर लेकर के किधर जो गायब हुआ अभी दिखता ही नहीं ब्लॉक में, और अभी बात जब करते हैं तो बात करता ही नहीं हम लोगों से। बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय की महत्वाकांक्षी जल योजना संवेदक और विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण फेल होते दिख रही है। एक ओर बिहार सरकार सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और विभिन्न प्रकार की बीमारी से बच सके, इसके लिए हर पंचायतों में करोड़ों रुपया खर्च की है ताकि सभी को स्वच्छ जल मिल सके। वहीं दूसरी ओर इस योजना की क्रियान्वित करने वाली एजेंसी, उसके संवेदक पूरी तरह लूट कर इस योजना को फेल करने में लगे हैं, जिसको देखने वाला विभाग पीएचडी विभाग केवल अवैध राशि उगाही में लगा है। यही कारण है कि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना गांव में पूरी तरह फेल होती दिख रही है। आज जल आपूर्ति के लिए हर वार्ड में बना जल आपूर्ति टावर केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गया। विभागीय पदाधिकारी ग्रामीण की समस्या को लेकर गंभीर नहीं। अररिया जिला में ही सिर्फ नल जल योजना में अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है, लेकिन संवेदक की मनमानी से ये अब सिर्फ शोभा की चीज बनी हुई है। ऐसे तो जिला के सभी पंचायतों में यह योजना दम तोड़ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रानीगंज प्रखंड के घघरी पंचायत के सभी 14 वार्ड की है, जहां यह योजना सभी वार्ड में फेल है। विभाग की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी से पूरे पंचायत के 14 वार्ड में इसका बुरा हाल है। घघरी पंचायत के डुमरा गाँव में बुधवार को इन सभी टावर में काम करने वाले अनुरक्षण ने 2 वर्षों से ठेकेदार द्वारा मानदेय नहीं दिए जाने के कारण उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुरक्षक ने बताया कि हम लोगों को पिछले 2 वर्षों से मानदेय नहीं दिया गया है। अनुरक्षक राम विलास, शिवलाल, किशोर कुमार, रुपेश कुमार, मोहम्मद हसीब, इकबाल, शब्बीर, मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद इसहाक और सईदुर रहमान आदि ने बताया कि हम लोगों को अनुरक्षण बने 4 साल से अधिक हो गया, 5,000 मानदेय देने की बात पर बहाली हुई। 1 माह 4,000 दिया तो 2 साल तक 3,000 दिया, उसके बाद 2 माह से वो भी बंद है। अब फ़ोन करने पर संवेदक फ़ोन तक नहीं उठाता है, और कभी उठाता है तो धमकी देता है तुम लोगों को हटा देंगे। ऑपरेटर ने बताया कि संवेदक आर्यभट्ट टोल कंपनी है, जिसका ठेकेदार पहले मोटरसाइकिल से आता था, अब वो फॉर्चूनर पर घूमता है। शादियों का आप लोग सामना कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का ये मांग है कि हम लोग क्या है, ये 4 साल हम लोगों का गुजर गया, लेकिन अब तक क्या हम लोगों को क्या है सिर्फ 2 साल का रुपया दिया, और वो भी क्या है 5,000 कह करके बोला गया था, लेकिन बाद में क्या है 4,000 दिया, फिर बाद में क्या है बोला कि 3,000 करके मिलेगा। अब 3,000 करके क्या है, अब उसमें भी क्या है हम लोगों को क्या है 2 साल का दिया और 2 साल नहीं दिया, 2 साल अभी क्या है 2 साल 2 माह का अभी बाकी है। 2 साल से अभी तक आपको मिला है? नहीं, 2 साल का मिला है ओनली, अभी 2 साल का नहीं मिला। नहीं, 2 साल 2 महीना का नहीं मिला है। जब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई अगला वाला पेमेंट कीजिए, तो हम लोगों को यहाँ तक के ये बात भी कहते हैं कि अरे आप अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपको क्या अनुरक्षक से हटा देंगे। तो कभी आप लोगों ने आवेदन वगैरह दिया किसी से? हाँ, ये बात क्या है, हमने क्या है जेई साहब को भी ये किए, आवेदन दे करके बताएं, और उसके बाद क्या है ये पप्पू यादव ये सांसद साहब को भी जा करके आवेदन दिए कि इस तरह के हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, तो बहरहाल इस तरह का ये करके हम लोगों को दिलासा ही दिलाता है, लेकिन हम लोगों को रुपया देने दिलाने वाला कोई नहीं होता अब तक। जिस ठेकेदार के थ्रू से आप लोगों का हुआ उसको कभी कॉल किया आपने? हाँ, कॉल किए तो कॉल रिसीव कभी नहीं करता। अब पहले तो क्या है, ये क्या है ये भटभटिया जो मोटरसाइकिल है वो लेकर घूम रहा था, बाद में वो फॉर्चूनर लेकर घूमने लगा, और अब के बाद फॉर्चूनर लेकर के किधर जो गायब हुआ अभी दिखता ही नहीं ब्लॉक में, और अभी बात जब करते हैं तो बात करता ही नहीं हम लोगों से, और किसी दूसरे को स्टाफ को फ़ोन उठाने के लिए दे देता है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहिदुर रहमान, घघरी पंचायत वार्ड नंबर 11 से मैं बोल रहा हूँ, डुमरा। ठीक, नसीम भाई कौन है अब यहाँ? मैं नौशाद। नौशाद भाई, क्या मांग है आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप लोग? मेरा मांग यही है कि जो टंकी लगाया गया था वो ये बोलकर गया था कि आप लोगों को 5,000 रुपया ऑपरेटर को मिलेगा, और 1 महीना तो वो 4,000 कहकर दिया, 2 साल तक पैसा मिला, उसके बाद पैसा अब तक बंद है, वो भी 2 साल में जो पैसा मिला ये हर महीना नहीं मिला, 6 महीना पर, 3 महीना पर कभी 10,000 भेजता, कभी 15,000, कभी इसी तरीके से कुल मिला करके अभी भी 2,000 मुकम्मल नहीं हुआ, 2 साल का मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग दो साल मुकम्मल मान करके चल रहे हैं, 2 साल अभी पूरा बाकी है, 2 साल 2 महीना का, और बाकी जो है उसमें जो कमियाँ हैं जैसे कि
टंकी में पानी का लालपन होता है, उसमें जो दवाइयाँ आती है दवाइयाँ मांगने लिए भेजते हैं या कहते हैं उनके बारे में, तो बता गया माने इसको ठेकेदार को कहेंगे हम भेज देंगे लेकर के, या उसका जो मुंशी वगैरह है उनको बोलते हैं तो बोलता है कि ठीक है, वो कभी अभी तक दवाई नहीं दिया, जिसका शिकायत पब्लिक को भी थी कि भाई पानी लाल आता है, पानी में सफाई नहीं है, ये सभी कमी थी। अच्छा एक बात बताइए, कभी अगर परेशानी होती है जी, मशीन वगैरह ख़राब होती है, तो ठीक करने के लिए आते हैं कि नहीं आते? ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन वक्त पर नहीं आते हैं, कई दिन गुजरने के बाद, जैसे आज उसको इत्तला करते हैं तो दो दिन तीन दिन चार दिन के बाद वो पहुँचता है, और पहुँचता है तो कभी बोलता है कि ये चीज़ नहीं है लाएँगे वहाँ से, कभी वो आधा आधा काम करता है, आधा काम मुकम्मल नहीं कर पाता है, अधूरा काम कर करके फिर छोड़ देता है। जहाँ तक वो टंकी का जो नल का जो वो ये होता है जो घुमाने वाला टूटी जो होता है, कई जगह टूटी नहीं लगा, उस टूटी के बारे में भी हम कई बार कंप्लेन किया, तो वो प्लास्टिक वाला टूटी लगाता है, जबकि वो पीतल वाला देने का था, वो एक बार पीतल वाला दिया, उसके बाद वही अल्मोनियम ये प्लास्टिक वाला देता है, वो दो दिन तीन में बच्चा घुमा करके फिर। आप लोग को जो टंकी लगाई गई थी जी, उस समय क्या कह के लगाया गया था, ये मुआवजा वगैरह मिला है या क्या? नहीं, वो तो उस वक्त में बोला कि इसका कोई मुआवजा नहीं आता है, ये तो ऑपरेटर जिसकी ज़मीन पर रहेगा उसको एक आदमी को नौकरी मिलेगी, हम लोग नौकरी समझा कि सरकारी नौकरी है, लेकिन बाद में वो जो है बोला कि नहीं इसके लिए फिक्स है 5,000, तो हम लोग कही चलो 5,000 सही। हाँ, उसके बाद वो 5,000 में 4,000 कह करके एक महीना भेजा, बाद में वो जो है वही 3,000 के हिसाब से पूरे 2 साल का हिसाब कर वो दिया। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद आलम, घगरी वार्ड नंबर 9। 2019 में ये टंकी हम लोग का यहाँ लगा, हर में पूरे पंचायत में ठीक, या पूरे प्रखंड में भी लगा है, पूरे जिला में भी चल रहा है काम। हम लोगों को उस समय आश्वासन दिया था कि आप लोगों को 5,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, ऑपरेटर को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, और परमानेंटली पैसा आप लोग को हर मंथली मिल जाएगा। उसके बाद 5,000 बोला, हम लोग का बात तय हुआ PhD में जा कर के। उसके बाद हुआ क्या, 4,000 करके 2 महीना पैसा दिया हम लोगों को ठीक। उसके बाद 3,000 करके देना शुरू किया, 2 साल का पैसा भुगतान हुआ, 2 साल का अभी कुल बाकी है। और जब भी पैसा हम लोग को मिला, तो बगैर PhD और बगैर DM साहब को यहाँ आवेदन देने के बाद पैसा नहीं मिला। तो अब आवेदन दिए हैं इससे पहले भी? हम कई बार दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। वही जब आवेदन दिए तो वहाँ कुछ बोला गया ठेकेदार को, तो फिर 10,000-15,000 रुपया भेज दिया, बाकी रह गया पैसा बाकी। हम बोले कि 3 महीना का आप दे रहे हैं और 6 महीना का बाकी है दीजिए, वैसे करते करते अभी 2 साल का कुल बाकी है। और अभी जब हम लोग पूरा प्रेशर पे आके बोल रहे हैं, तो बोला कि अगर वैसा बोलोगे तो ऑपरेटर से बर्खास्त कर देंगे। और आपकी ज़मीन जो दिख रखी है इस पर क्या? उस पर कोई चर्चा नहीं है, यही सब बात है। परिचय क्या नाम? परिचय MD जाकिर हुसैन, ग्राम डुमरा, पंचायत घघरी, वार्ड नंबर 10। हम लोग रियली पानी देते हैं, अगर एक दिन पानी बंद करते हैं तो लाठी डंडा लेकर गाँव वाला आ जाता है। अच्छा, बोला तुम्हारा बाप का ये सामान है, तुम लोग पानी नहीं दोगे, नख यहाँ पैसा मिलता है तुम लोग यहाँ नेतागिरी करता है, पानी को बंद करके रखता है, इस ढंग का भाषा बोलता है गांव वाले। हम बोले यार पानी अच्छा नहीं दे रहा है, यहाँ मसला नहीं मिल रहा है पानी का, जो मतलब जो साफ करने के लिए केमिकल होता है वो केमिकल नहीं मिल रहा है, कैसे क्या पानी अच्छा निकलेगा? बोला तुम लोग अगला को नहीं बोलते हो, अगला को बोलते हैं अगला आता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पानी जो कहीं बिखर है, कहीं पाइप मतलब कनेक्शन कट गया है, तो उसको बोलते हैं फ़ोन करके भाई आ जाओ यहाँ पानी बिखर रहा है, पूरा गांव बर्बाद हो रहा है, घर द्वार सबका बर्बाद हो रहा है, सीजन का मौसम है, सबका धान सब कुछ आ गया फसल उसल, लेकिन वो लोग आज बोलते हैं कि आएंगे, आने का बाद बोलते हैं आज नहीं आता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन आज का हालत बोलते हैं। 8 रोज पहले मैंने फ़ोन किया उसको कि कनेक्शन टूट गया है रोड पर, आप आओ यहाँ करके ठीक कर दो, बोला आ जाएंगे कल कहकर 8 रोज हो गया अभी तक नहीं आया। रहा फोन करते रहते हैं, रहा बात नल की, नल कहीं कहीं खुला गया है मतलब टूट भंग गया, उसको बोलते हैं लगा दो, बोलता पैसा लेगा किसी 100-200 रुपया लेता है, फिर भी मतलब समय पर नहीं आता है। अच्छा, पैसा भी लेकर के नहीं आता है। जैसे अभी गाँव में किसी को पाइप खरीदा गया है, पाइप लगाओ अपना नल लगाओ, सारा काम करवा रहे हैं, लेकिन वो लोग आ ही नहीं रहा। रहा मंथली के बाद, वो बोला 5,000 रुपया महीना देंगे, जमीन का मुआवजा तो गया भाड़ में, 5,000 रुपया महीना देंगे, 5,000 का 4,000 दिया, उस पर भी जब आवेदन देंगे तभी मिलेगा, ज़्यादा प्रेस से बोलते हैं तो बोला तुम घटा देंगे ऑपरेटर से। हम लोग सोचे कि साला जमीन दिए
यहाँ नल बनेगा, जल का सिस्टम होगा, तो हम लोग का मतलब पर डे या पूरा जिंदगी भर हम लोग को नौकरी मिलेगा। इस सिस्टम से जमीन दे दिए, इस ढंग का जमीन देना मामूली बात है, हम लोग फिर भी दे दिए। रोड के किनारे बसोबास में जमीन दिए, जिसमें एक कट्ठा जमीन का 2.5 लाख रुपया कीमत लगता है, उस जमीन को हम लोग ने दे दिया। और उस जमीन को देने के बाद आज पैसा नहीं मिल रहा, गांव वाला से लाठी जूता खाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जब बिजली भाग जाती है, मान लिया 3-4 दिन इस इलाके में कभी कभी होता है ऐसा, 2-3 दिन लाइट नहीं है, तब क्या करते हैं? तब क्या करते हैं, वो बाबा का ठुल्लू नल घुमाओ, पानी नहीं आएगा, चलेगा जब भी तो आएगा। क्या कहता है, जनरेटर देने का बात था, जनरेटर नहीं दिया, बिजली नहीं आता, ट्यूबवेल का पानी कब पियो? जिसका ट्यूबवेल नहीं है तो आता है दौड़ के, भैया पानी पिलाओ। हम बोले पानी कहाँ से पिलाएंगे यार, बिजली है ही नहीं तो कहाँ से पिलाएंगे। बोलता अगला को प्रेशर डालो, अगला को प्रेशर डालते हैं, बोलता अभी यार वैसा कोई सिस्टम है ही नहीं, हम पहले बोला गया था, अलग बात है, इस ढंग का बात बोलता है। क्या नाम क्या? MD हसीब, गांव लताहाड़ी, वार्ड नंबर 6, घघरी पंचायत से हम आए हैं। क्या समस्या है आप लोग? क्या समस्या है? ये है, हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला? वेतन करीब 2 साल का नहीं मिला है, 2 साल का मिला था, 2 साल का नहीं मिला है। आवाज़ उठाया आपने, कहें कहें अब गए? हम लोग आवाज़ उठाए तो बोला, जब आवेदन दिए तो बोला कि ठीक है, आवेदन को रोक दिया जाता है, उसके बाद जो है कि बीच में पैसा भेज दिया जाता है 10,000-15,000 करके, उसके बाद फिर कान बंद करके सो जाता है। और पानी की सुविधा वगैरह आप लोग देते हैं? पानी की सुविधा अभी बिजली पावर कम मिलता है, ट्रांसफार्मर का बात था, ट्रांसफार्मर नहीं मिला है। कौन आपको कहा था ट्रांसफार्मर देंगे? ट्रांसफार्मर ठेकेदार बोला था कि ठीक है हम ट्रांसफार्मर बैठा देंगे, तो पानी नहीं देंगे तो पब्लिक कहाँ से देगा, तो यही सब बात है। अभी आप लोगों की मांग है कि पैसा जल्दी मिल जाए। हाँ, क्योंकि 5 साल पूरा परिचय बताइए। अच्छा, नाम बताइए। रामविलास पासवान, घर का भैया, अपनी 1 नंबर वार्ड से। 1 नंबर वार्ड? आप अपनी जमीन दिए थे? हाँ, अपनी जमीन दिए थे। पैसा वैसा कुछ मिला है आप लोगों को? जमीन का कोई पैसा नहीं मिला, जमीन का सिर्फ बोला कि जमीन आप लोग दीजिएगा तो आप लोग को एक ठो नौकरी लगेगा। हम लोग सोचे कि सरकारी नौकरी लगेगा, पर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, यहाँ ठेकेदारी नौकरी हम लोग को लग गया, तो ठेकेदार हम लोग को वेतन नहीं दे रहा। ठेकेदार को 5 साल पूरने वाला है, वो कल होकर के झोला झंडा समटेगा और भाग जाएगा वो, फिर हम लोग कहाँ। 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था? हाँ, 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था वो लोग को। 5 साल का ही? हाँ। चलिए ठीक है। 4 नंबर वार्ड, घघरी पंचायत। मेरा घर देवस्थल हुआ 4 नंबर वार्ड घघरी पंचायत। तो हम लोग का जो ज़मीन दिए थे, उस ज़मीन में जो है जिस टाइम टंकी लग रहा था उस टाइम में ठेकेदार लोग बोला कि हम लोग जो है आप लोग को 5,000 का वेतन देंगे। पहले शुरुआत में 1 महीना का वेतन आया, उसके बाद नहीं आने लगा। तो हम लोग सभी आदमी मिल कर के जोर लगाए तो उसमें जो है एक बार 10,000 रुपया मिला। फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 2 साल का दिया, इसके बाद बोला कि ठीक है इस ढंग पे काम करो, ऑपरेटर का तौर पे आप लोग को जो है वेतन देते रहेंगे। उसमें जो है हम लोग का ठेकेदार जो है इधर उधर करके कुछ दिया है, 2 साल का दिया है, कुछ नहीं दिया। अरे कितने साल का बाकी? अभी 2 साल 2 माह का बाकी बचा हुआ है पैसा, यानी 5 साल का टेंडर होता है ठेकेदार का, तो ठेकेदार जो है हम लोग का इतने ठो पैसा दिए। नाम बता दीजिए। नाम किशोर यादव हुआ। वार्ड नंबर 4 घघड़ी 5 के पानी चालक रुपेश कुमार राम बोल रहे हैं। दूर से बोलिए, क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार राम, वार्ड नंबर 5 पानी चालक। ये सरकारी जमीन स्कूल में पानी टंकी लगाए थे, उसके बाद है जो पानी उनी मेरा सब कुछ सही चल रहा है, बैकवास भी सही हो रहा है, पानी में कोई तरह शिकायत ना है। वही है जो मोटा मोटी है जो ये 2 साल का पैसा मिला, बाद में कुछ नहीं मिला है 2 साल से। पानी लेकिन प्रेजेंट चल रहा है अभी तक। पानी वाली दे रहे हैं? पानी वहाँ है जो मैं जो बुझेगी भर दिन चल भी रहता है। हाँ। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, कोई अंतरण नहीं पानी में, पानी हम लोग चला रहे हैं जैसे।